अगर आप IRCTC का शेयर का चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो क्लोजिंग प्राइस रही है 17 रुपये माइनस के साथ जो है वो 2% की गिरावट देखने को मिली प्रीवियस क्लोज से। एंड मार्केट जो है पूरे समय जो है आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिली और उसी के साथ जो है IRCTC भी आपको नीचे ही आता हुआ दिखाई दिया। इवन अगर आप लास्ट 5 डेज चार्ट की बात करेंगे तो स्टॉक जो है लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, 5% का इसके अंदर रिट्रेसमेंट आ चुका है। लास्ट 1 मंथ के चार्ट में देखते हो तो कुछ खास बड़े रिटर्न नहीं है, स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। उसकी एक मेन वजह की बात करें तो वो है मार्केट के बिगड़ते हालात। अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी जो है पूरे टाइम आपको डाउन ट्रेंड में जो है ट्रेड करती हुई दिखाई दी। लास्ट 5 डेज के अंदर देखोगे तो निफ्टी ने भी जो है एक अच्छी खासी गिरावट ही दिखाई है। रेगुलर बेसिस पे जो है इसके अंदर लगभग 150-200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट 1 मंथ के अंदर देखोगे तो कोई खास इसके अंदर गेन देखने को नहीं मिला है, लेकिन निफ्टी जैसे के अंदर जो है 3.19% का जो अप मूवमेंट देखने को मिला है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखो सबसे पहली बात, मार्केट में जो है निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम का हाई न्यू अचीव किया है, देन वहाँ से रिट्रेसमेंट आनी जरूरी है। लेकिन अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखते हो तो एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है, जिसके चलते आप अंदाजा लगा सकते हो कि मंडे से या फिर नेक्स्ट 1-2 दिन से जो है मार्केट का मोमेंटम जो है आपको वापस से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। 17,350 का जो है काफी बड़ा जो है सपोर्ट निकल कर आता है मार्केट का। बात करें IRCTC की तो IRCTC मेरे लिए पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन का रखते हैं। लेकिन अभी IIFL की तरफ से जो बयान आया है उसके चलते जो स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते अगर आप NSE का डेटाबेस देखेंगे तो आपके इसके ट्रेड स्नैपशॉट के अंदर जो यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही थी अभी कुछ घंटे पहले मैंने आप चेक किया था, यहाँ पे करीब करीब जो 60,000 क्वांटिटीज जो है बाइंग के लिए देखने को मिल रही थी प्लस। एंड अभी क्या है, यहाँ पर सारी क्वांटिटीज जो है ख़त्म होती दिखाई दी है। एंड मेरे हिसाब से जो है मार्केट ओपन होने तक जो है यहाँ पर बाइंग जो है आपको धीरे धीरे करके जीरो देखने को मिलेगी एंड सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देने लगेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, सीधा उस रीजन की तरफ चलते हैं। सो IRCTC जहां लगातार आपको नए नए बिजनेस के अंदर एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी के साथ जो है ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है, उसी के बाद जो है आपको IIFL की तरफ से जो है इसके ऊपर बाय सेल या होल्ड का जो है रिकमेंडेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर IIFL ने जो है इसके अंदर रिकमेंडेशन दिया कि स्टॉक के अंदर हमें किस तरीके से आगे ट्रेड करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा बिल्कुल भी ना डूबे और कम से कम नुकसान देखने को मिले। क्योंकि आप भी जानते हैं जो भसीन सर हैं, संजीव भसीन, ये हमेशा जो है IRCTC के ऊपर नज़र बनाकर रखते हैं और डेली बेसिस पर जो है इसके ऊपर न्यूज़ में आपको इसके ऊपर बात करते हुए दिखाई देते रहते हैं, ठीक है। सो ये इनके हमेशा वॉचलिस्ट में रहता है, जिसके ऊपर जो है इन्होंने अभी बयान दिया है कि IRCTC जो है IIFL के टॉप सेल्स में से देखने को मिलेगा, मतलब 2022 में सबसे ज़्यादा जो बिकवाली होने वाला शेयर है ये आपको IRCTC देखने को मिलेगा। और इसकी गिरावट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ से भी 200 पॉइंट जो है गिरता हुआ दिखाई दे सकता है मात्र शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो अनफॉर्चुनेबल द ब्रोकरेज का जो व्यू है, ठीक है, कंसिडरिंग रेगुलेटरी रिस्क अराउंड सेंसटेंस अंडरव्यूड 2S कंजर्वेशन हायर फिक्स चार्जेस तेजस ट्रेन प्लेएबल टू रेलवेज, मतलब जिस हिसाब से जो है ट्रेन्स को कैंसिल किया जा रहा है या फिर जिस हिसाब से कोविड की सिचुएशन आ रही है या फिर किसी भी रीजन से जो है IRCTC आपको धीरे धीरे करके इसके बिजनेस में डाउन देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो है इसके अंदर आपको कमी देखने को मिल रही है कुछ ना कुछ। और इसका जो टारगेट प्राइस है अभी जो है 745 रुपये डाउन में दिया गया है। एंड सबसे बड़ी बात अगर आप ध्यान दोगे तो IRCTC जो है पोटेंशियल है, एक अच्छी खासी पोटेंशियल कंपनी है और मोनोपोली बिजनेस है इंटरनेट टिकटिंग बुकिंग के अंदर। लेकिन ये क्या है, रोल्ड आउट कर सकती है किस तरीके से, क्योंकि ये जो POC सेक्टर की कंपनी है बहुत जल्द जो है इसके ऊपर प्राइवेटेशन से रिलेटेड जो है आपको बातचीत देखने को मिल रही है काफ़ी समय से, और इसके ऊपर जो है कामकाज किया जाने की जो है संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो फैसला लिया था कि 50% रेवेन्यू शेयर जो है कन्वीनियंस फीस के जो है ले लिए जाएंगे अक्टूबर 2021 के अंदर, और उसके बाद से जो है स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी बड़ी हलचल देखने को मिली। लेकिन इस फैसले को वापस भी ले लिया गया और इन्वेस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर परेशान भी हुए थे। लेकिन अभी क्या है, ये फैसले जो आपको वापस से लाद दिए जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक का जो है कंपनी का प्राइवेटेशन अगर होता है तो जाहिर सी बात है इसका शेयर जो है जितना हो सके PSU सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जो है ले सकती है एंड बाकी जो प्रॉफिट है ये आपको जो है प्राइवेट सेक्टर लेती हुई दिखाई देगी। एंड मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इसके टिकट्स के वॉल्यूम जो है आपको जो है थोड़े बहुत घटते हुए दिखाई दे रहे हैं कोविड के चलते। लेकिन अभी क्या है ना कि
जैसे ही कोविड खत्म होगा तो आपको अंदाजा लगा सकते हो बाद में काम कारोबार बढ़ेगा भी। लेकिन अभी क्या है, कंपनी जो है धीरे धीरे करके एयरलाइंस के अंदर जो है एंट्री लेने की कोशिश कर रही है, मतलब उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन मैं यही जो है कहूंगा कि अगर रेलवे से कंपनी थोड़ा सा भी अलग होती है देन ये कंपनी जो है मोनोपोली नहीं रहेगी, ठीक है, या फिर प्राइवेट भी हो जाती है तो भी जो है इसके अंदर मोनोपोलीनेस जो है खत्म हो जाएगा और ये स्टॉक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, प्राइवेटेशन मतलब ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि शेयर वैल्यू बढ़ेगी नहीं, यही 600 700 800 रुपए का शेयर जो है आने वाले समय में 6000 7000 तक भी जाएगा प्राइवेटेशन के बाद। लेकिन जो इसका बिजनेस है, जो इसके प्रॉफिट्स हैं, इसके अंदर जो है थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिल सकते हैं। और इन्हीं अपडेट्स के चलते जो है मार्केट में स्टॉक कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा। लाइक स्प्लिट के बाद जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि स्टॉक की वैल्यू जब 5 गुना कम हो जाएगी तब जो है स्टॉक के अंदर बहुत से लोग फ्रेश एंट्री लेंगे, लेकिन वहां से जब से कंपनी ने बोनस इशू किया है, लाइक लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखेंगे, वो स्प्लिट के बाद से जो है स्टॉक ने एक भी रिटर्न नहीं दिया, लगातार आपको डाउनफॉल में ही देखने को मिल रही है। सो अभी IIFL का जो इसके ऊपर बयान निकल कर आया है कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं तो आपको स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन इसके अंदर बना लेंगे तो आने वाले फ्यूचर में जो आपको अच्छे खासे मल्टीपल का रिटर्न जो है मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बट अभी क्या है, हालात इसके कुछ ठीक नहीं है, कोविड के चलते जो लगातार इसके ट्रेन कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इंटरनेट टिकटिंग बुकिंग है ये भी जो है इनके अंदर लगातार कमी देखने को मिल रही है, उनका केटरिंग बिजनेस भी जो है आपको पहले की तरह पॉजिटिव वर्क करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सो अभी क्या है, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो फिलहाल इससे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मात्र 1 साल का भी नज़रिया रख सकते हैं, तो स्टॉक के लिए अंदर जो है आपका वेलकम है, एक अच्छे खासे टारगेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल बात करें इसके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकली देखते हैं स्टॉक को, तो स्टॉक मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है, काफ़ी समय से जो है इस लेवल पर आपको रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देख सकते हो स्टॉक जो है इस लाइन इस टेंजेंट के जो अगर आप देखोगे जो लाइन ड्रा हुई है इससे ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। अभी क्या है, कंपनी के अंदर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है देन स्टॉक जो है ऊपर भागना चालू कर देता है, लेकिन इस लेवल को क्रॉस करके करे बिना जो है स्टॉक वापस से डाउन आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही इसने अपने लाइफ टाइम हाई या फिर जो 1200 रुपये का लेवल है आफ्टर स्प्लिट इसको क्रॉस किया देन स्टॉक के टारगेट जो है काफ़ी ऊपर तक आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइंग पोजीशन की बात करें तो एक बहुत अच्छे RSI लेवल पे जो स्टॉक अभी भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो, क्योंकि अच्छे खासे बिजनेस एंड कामकाज के साथ साथ अगर आप इसका सेंटिमेंट भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको करीब करीब 86% लोग जो इसके अंदर फ्रेश बाय करके लॉन्ग टर्म बेसिस पर होल्ड करने की सलाह देंगे। गिरावट की बात करें तो ओनली 14% लोग जो इसके अंदर गिरावट की बात करते हुए दिखाई देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक अपडेट दिखा दूं, तो IRCTC ने कुछ हाल फिलहाल में आपको अनाउंसमेंट देते हुए दिखाई दिया, जो कि रिजर्वेशन डेट से रिलेटेड आपको कुछ तेज ट्रेन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ट्रेन के कैंसिलेशन की जो है आपको बातें देखने को मिलेगी। लाइक कैंसिलेशन कैसे, अभी जो डेली बेसिस पे ट्रेन चलती हुई दिखाई देती थी उनका क्या है, एक तो बहुत सी ट्रेनें ऑलरेडी कैंसिल कर दी गई है, एंड अभी तेजिस की बात करें तो ये आपको ओनली फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे, ठीक है, मतलब वीक में जो है आपको 4 दिन जो है ओनली आपको ये ट्रैवल करती हुई दिखाई देंगी। मतलब टिकटिंग तो इसकी कम से कम है ही, लेकिन अगर कामकाज भी कम कम हो गया, ट्रेन कम से कम चलेंगी, देन IRCTC का बिजनेस और भी ज़्यादा डाउन चला जाता हुआ दिखाई देने वाला है। सो आपको बस IRCTC के जो है पॉजिटिव पॉइंट याद नहीं करने, लाइक कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है, PSU सेक्टर है, मोनोपोली है, लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, फूड सेक्टर के अंदर एंट्री ले चुकी है, बात करें क्रूज़ की या फिर बात करें एयरलाइंस की, जगह जगह पर जो है अपना बिजनेस फैलाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी क्या है, बिजनेस फैला तो रही है कंपनी, लेकिन अभी जो है ये पॉजिटिविटी का रन नहीं कर रहे, ठीक है, और जब तक कोविड की सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है इसके अंदर खतरा बना रहेगा। सो इसी वजह से जो है संजीव भसीन सर ने जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा सेलिंग का सलाह दिया है, बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो डाउट्स हो तो क्वेश्चन करना, मैं जैसे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।